भाइयों नमस्कार, मैं अंकुश देवल आपके अपने यूट्यूब चैनल लव किसान में आप सभी का स्वागत है। भाइयों आज हम आए हैं दीपक भाई के खेत में और इन्होंने पहले इसमें रेटून मैनेजर चलवाया था। ये देखिए 27 मार्च को मैंने वीडियो डाल ली थी, पिछली वीडियो उसमें आप देख सकते हैं। और ये देखिए इसका फुटाव कितना शानदार आया है। रेटून मैनेजर का अपना एक अलग ही मज़ा है और ये फुटाव अभी शुरुआती है, अभी आगे को देखियो, मैं वीडियो लगातार बनाता रहूँगा। ये देखिए कितना शानदार फुटाव है। और अब इसमें ये टीलर चला दिया इन्होंने अपने ही ट्रैक्टर से, बहुत ही बढ़िया तरीके से इनका खेत हो चुका है और बिल्कुल भी कोई भी किसी भी प्रकार की घास नहीं है। ये ट्रंच का फ़ायदा है भाई, अपनी खुद की सोच हो तो बिल्कुल भी घास नहीं होती और मज़दूर को एक रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। चलो इनसे जानकारी लेते हैं। और तो अपना ही ट्रैक्टर ले लिया दीपक भाई? हाँ जी, अपना ही ले लिया। अच्छा, अपना परिचय बताओ पहले। नाम दीपक, गांव चिचरा खुर्द, जिला मरवा। तो ये महिंद्रा जीवो 245 DI। हाँ, तो कौन सा मॉडल है ये? 2018 है। अच्छा, कितने का ले लिया ये? बैठ गया 3.25 का। अच्छा, 4x4 है? 4x4। देखो भाई, 4WD है, बिल्कुल साफ ट्रैक्टर है। तो ये टीलर इसके अभी लिए हैं क्या? हाँ, साथ ही लिए हैं। अच्छा, ये कितने के ले लिए? ये क्या पर ही हैं ये? एक दो तीन पाँच पर ही हैं। 14,000 के। तो सभी इम्प्लीमेंट ले लिए, टंकी ले ली स्प्रे की? हाँ, स्प्रे की टैंक ले लिया, सभी तो नहीं लिए पर धीरे धीरे। अच्छा, तो टंकी कितने रुपए की है? टंकी जो है बिना ऑटोमेटिक 30,000 रुपए की बैठी है। अच्छा, ऑटोमेटिक वाली? ऑटोमेटिक वाली 45-50 हज़ार रुपए की थी। तो एक बात तो बताओ, जैसे ऑटोमेटिक वाली पूरा बड़ा गन्ना हो गया तो उसमें चल जाएगी बढ़िया? हो भी चलती हुई तो देखी ना, पर वो वैसे एक चीज़ तो बताओ। हाँ, हमने वीडियो में देखा और की भी, लेकिन पूरा गन्ना हो गया, 5 फीट पर गन्ना बोया ट्रंच, तो उसमें यो जरूरी थोड़ी है कि गन्ने नेड़े हो जाते हैं कि ट्रैक्टर चली जाएगा बड़े गन्ने में। हाँ, ये भी है कि अगर जैसे ब्याज ज़्यादा हो गया गन्ने तो बिल्कुल लग के चलेंगे ही ट्रैक्टर से। हाँ, और जो है झुकाव भी हो जावे है थोड़ा जैसे, लेकिन मिट्टी चढ़ने के बाद भी जो है फैलाव तो हो ही जाता है। हाँ, अगर गन्ना बंद गया तो स्प्रे हो जाएगा, अगर गन्ना नहीं बंधा तो स्प्रे नहीं। दूसरी बात, जो जिसने जो टंकी बना रहे हैं बेच रहे हैं उन्होंने जो है यही दी कि सहूलियत तो है उसमें कि एक आदमी बच जावे है स्प्रे करने में, इसमें दो आदमी काम है, पर जो है कामयाब नहीं है इतनी ऑटोमेटिक वाली। और महंगी भी है और इतनी कामयाब भी नहीं, तो इससे तो अपनी सिंपल वाली ठीक है। 15-20 हज़ार रुपए जो है। तो आपका ये बताओ, तो आपका तो स्प्रे की भरमार रहेगी? हाँ, स्प्रे जो है, सामान लिया है, टंकी है तो स्प्रे तो करेंगे ही, क्योंकि 38 तो बिना स्प्रे के हो ही नहीं रहा। 38 तो गया, जिनने अपनी टंकी ले ली उसका तो रुक जाएगा। देखो, मौसम के ऊपर बात है, पिछले साल तो इन दिनों में जो है आ गया था कंसुआ, अब का जो है मौसम ठंडा ठंडा रहा, ठंडक रही तो बची हुई है पेटी सभी की। हाँ, सही बात है, लेकिन फटके का असर था तो 0238 लगा रखा, तो उसमें रोग तो नहीं है ना? अभी तो कोई रोग है नहीं। अच्छा, किसी भी खेत में ना कोई स्प्रे दिया अभी? एक स्प्रे करा है। अच्छा, जो फड़का था उसका स्प्रे कर दिया। फड़का तो बहुत जोर से आ रहा। हाँ, तो उसका स्प्रे मैंने अभी अपनी पेटी में देखा, बहुत जोर से फड़का है। जो सितंबर का था, ये गन्ना जो है साइड में, इसमें इसमें बहुत सरसों थी, उसमें बहुत फड़का था। अच्छा, तो अब जो है अब ना है। तो 38 पेटी और पौधा कैसा निकला आपका? आपका हमारा तो लगभग 40-45 का ही एवरेज है भाइयों। हमारे यहाँ छोटा बीघे है, बड़ा बीघे नहीं है, छोटा बीघे है। 40-45 तक का ही एवरेज आया है। अच्छा, बहुत नुकसान रहेगा। हाँ, बहुत भाइयों, सभी किसानों को बहुत नुकसान आया है और इसने टॉप बोरर ने तो ऐसी तैसी करके फेंक दी किसानों इस की। बार टंकी लेने का यही है कि यूरिया जो है जमीन में कम डालेंगे। हाँ, और जो है सभी ये कह रहे हैं कि का ही ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। जिसने ज्यादा यूरिया डालना ना किया ना, दो बीघे में एक गट्टा फेंक दिया, उसके में और जल्दी आया, और जिसने यूरिया कम डाला उसके में बहुत कम रोग है। रोग तो सबके में आया है। यूरिया इसमें भी टक्की बात है। यूरिया जिसने जो है स्प्रे भी कम करे हैं, यूरिया भी खूब डाला, नहीं आया, पता नहीं क्या है उसका हिसाब। कोई कोई खेत है ऐसा। लेकिन जो है ज्यादातर जो है 70% में तो रोग आया ही है। सही बात है, 30% लोगों का ही है। चलो तो चला के दिखाओ अभी से भाइयों, आप चला के दिखाएंगे दीपक भाई से कैसे चल रहा है। थोड़ी सी रेतीली जमीन है, मीडियम,
वाहन तो खूब अच्छा कर रहा ट्रैक्टर। तो 4x4 पे चल लिया अब अच्छी है। ये देखियो भाइयों महिंद्रा जीवो 245 Ti टीलर पर चलता हुआ। वाह भी वाह मजा काट दिया। कितना वाहन करता जा रहा ट्रैक्टर ये देखिए, बिल्कुल भी लोड नहीं मानिया, कितना आराम से चल रहा, बिल्कुल पढ़िया। भाइयों अपनी सोंज का यही फायदा है, ट्रंच लगाओ तो अपनी सोंज होनी चाहिए और जुताई स्प्रे खूब होके जब तभी गन्ना हो रहा है ट्रंच में। तो भाइयों वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।